नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में। फिर से एक बार दोस्तों मैं लेके आऊँगा आज आपके लिए बेसिक चतुर्युगी 10 खबरें। इन 10 खबरों को बताने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले नीचे लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही दबा दीजिए बेल आइकन को ताकि मेरी हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच सके। सबसे पहले मैं डेली के डेली बेसिक चतुर्युगी शिक्षा मित्रों से जुड़ी हुई, शिक्षकों से जुड़ी हुई, भर्तियों से रिलेटेड कोर्ट अपडेट आपको देता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के समाचार। इसमें सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के निर्देशन के अनुसार पूरे जिले में चल रहे ग्रेडेड लर्निंग कार्यक्रम को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण कराने के लिए प्रशिक्षक पूरी तरह से तन्मयता के साथ कार्य कर रहे हैं। प्रशिक्षकों ने अध्यापकों को हर बिंदु को स्पष्ट करते हुए प्रशिक्षण का महत्व बताया है, साथ ही साथ उनके दायित्वों को भी बताया गया है। अगर हम बात करें ब्लॉक गंगीरी के बीआरसी केंद्र छर्रा की, तो वहाँ पर प्रशिक्षक विष्णु कुमार गौर जी इस कार्य को बड़ी ही कुशलतापूर्वक निभा रहे हैं और अध्यापकों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। अध्यापकों को दिए जा रहे इस प्रशिक्षण में विनय कुमार गौर जी के सहयोगी अमित अनिल कुमार यादव जी भी इस कार्य को बहुत ही कुशलतापूर्वक कर रहे हैं। अध्यापक विष्णु कुमार गौर जी के शिक्षण कार्य से बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हैं और उनकी हर बात को समझ रहे हैं कि विद्यालय में जाकर उन्हें बच्चों के साथ किस तरह से पढ़ाना है, किस तरह से ग्रेडेड लर्निंग कार्यक्रम को सफल बनाना है। साथ के साथ इस प्रशिक्षण में बीच बीच में होने वाली गतिविधियों को भी विनय कुमार गौर जी कराते हैं, जिससे वहाँ प्रशिक्षण की रोचकता बनी रहती है, गंभीरता बनी रहती है और अध्यापक समझते हैं कि विद्यालय में आकर उन्हें कैसी गतिविधियाँ करानी हैं। तो चलिए देखते हैं विनय कुमार गौर जी के द्वारा कराई गई कुछ गतिविधियां बीआरसी छर्रा केंद्र पर। दोस्तों, इसके बाद जो हम दूसरी खबर बताने जा रहे हैं वो है झारखंड से, जिला गढ़वार में। गढ़वारा में जिन 4 बच्चे ठंड के कारण विद्यालय में प्रार्थना सभा में ही बेहोश हो गए, चिकित्सकों को दिखाने के बाद वो स्वस्थ हैं, क्योंकि वहाँ के अध्यापक उनको निजी अस्पताल में तुरंत ले गए थे और वहाँ पर उनको स्वस्थ होने के बाद वापस घर भेज दिया गया। लेकिन विद्यालय में अलगाव जलाकर बच्चों को राहत दी गई है, क्योंकि कोहरा भले ही ना हो लेकिन ठंड का प्रकोप वहाँ पर जारी है। इसके बाद जो तीसरी खबर जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो ये कि बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी अवकाश सूची में 13 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह के जन्म दिवस के बारे में बताया गया है कि गुरु गोविंद सिंह जन्म दिवस 13 जनवरी को मनाया जाएगा, जबकि पिछले 5 सालों से यही जन्म दिवस 5 जनवरी को मनाया जाता है। तो वहाँ आपत्ति लगाई गई है कि 13 जनवरी को तो लोहड़ी का अवकाश होता है, लोहड़ी मनाई जाती है, 13 जनवरी को नहीं बल्कि 5 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जन्म दिवस मनाया जाना चाहिए। लेकिन इस पर सचिव पीएन बेसिक शिक्षा परिषद रूबी सिंह जी ने कह दिया है कि हमने अवकाश तालिका में कोई भी फेरबदल नहीं किया है, जैसी सूची हमें शासन से प्राप्त हुई है हमने वही आपको दे दी है, इसमें कोई भी परिवर्तन करना हमारे संबंध में नहीं है जब तक कि प्रशासन से इसे कोई दिशा निर्देश नहीं मिल जाते हैं। इसके बाद हम जो अगली खबर बता रहे हैं वो है वर्ष 2019 की खुशखबरी, क्योंकि 2019 में पहली बार सरकारी शिक्षकों का 3% डीए बढ़ने की पूरी संभावना है, क्योंकि पिछले वर्ष 2018 में जो औसत मूल्यांक रहा वो 12.83 रहा और इसमें अगर पूर्णांक लेते हैं तो 12 डीए बनता है 2019 में, जो कि शिक्षकों को जनवरी से मिलेगा। 12% डीए मिलने की पूरी संभावना है, 9% डीए तो पहले से मिल ही रहा है, तो 3% डीए बढ़ने की पूरी संभावना जताई जा रही है। 3% बढ़ा हुआ डीए जनवरी से लागू होगा सभी शिक्षक कर्मचारियों पर। तो इस नव वर्ष में बढ़ी हुई सैलरी के साथ इस 3% डीए को सरकार देगी। तो चलिए अब अगली खबर हम आपको बताते हैं पुरानी पेंशन बहाली के बारे में। पुरानी पेंशन बहाली के लिए भी शिक्षक संघ क्रियाशील हो गया है। लखनऊ में
उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ की एक बैठक हुई विकास भवन में। वहां पर यह निर्धारित किया गया कि 8 और 9 जनवरी को राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जाएगा। 8 से 9 जनवरी को ये आंदोलन पूरे देश में होगा। वहां पर कई विभागों के कर्मचारी भी शामिल थे इस बैठक में। तो पुरानी पेंशन बहाली के लिए भी आंदोलन की तिथि निर्धारित कर दी गई है 8 से 9 जनवरी को। इसके बाद जो हम अगली खबर आपको बता रहे हैं वो है यूपी टेट 2017 के केस के बारे में, जो कल जिसकी सुनवाई हुई। यूपी टेट 2017 केस में मात्र 6 याचियों को ही, जो कि याची थे उस केस की सुनवाई के, तो उनको ही केवल प्रोविजनल अनुमति दी गई है, परमिशन दी गई है कि वो 6 जनवरी को होने वाली परीक्षा में बैठ सकते हैं। ये वही 6 शिक्षा मित्र हैं जो यूपी टेट 2017 के रिजल्ट में पास हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक ये समझ में नहीं आया कि कौन पास हो रहा है कौन फेल। लेकिन जब जज साहब ने कहा कि डबल बेंच का ऑर्डर पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब निरस्त कर दिया गया है, तो सरकार के पास दो ही रास्ते हैं कि या तो यूपी टेट 2017 का रिजल्ट 14 क्वेश्चन को हटा के उनको जारी करे और यही तो इनको जो है तत्काल तुरंत बिना भर्ती को प्रभावित करते हुए इनको प्रोविजनल अनुमति देते हुए परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए। तो फिलहाल अभी उनको 6 शिक्षा में साथियों को वहाँ परीक्षा में बैठने की अनुमति मिल चुकी है। और जज साहब ने यह भी कहा है कि इस संबंध में हम अगली सुनवाई 16 जनवरी को करेंगे, ताकि ये निर्धारित हो सके कि टेट का रिजल्ट 14 क्वेश्चन डिलीट करने के बाद किस तरह से जारी किया जाएगा। रिजवान अंसारी का कहना है कि ये केस की डेट आज यानी 3 जनवरी को भी है, क्योंकि ये 6 शिक्षा मित्र केवल वही हैं जिनकी SLP पहले से चली आ रही थी, जो उसमें नई अटैच होकर इसका लाभ लेना चाहते थे उनको भी लाभ नहीं मिला है, लेकिन इस ऑर्डर को साथ लेके वो आगे लाभ ले सकते हैं। तो जिसकी डेट आज है तो हो सकता है कि बाकी के याचियों को आज राहत मिल जाए। तो ये थी यूपी टेट 2017 के कोर्ट केस की अपडेट। इसके बाद जो हम आपको अगली खबर आपको बताने जा रहे हैं वो ये कि लखनऊ से भी उमा देवी जी ने शिक्षा मित्रों के विचारों को जानने के बाद, शिक्षा मित्रों के पक्ष में आकर के उन्होंने फिर से एक बार महा आंदोलन की चेतावनी सरकार को दी। उन्होंने कहा है कि शायद अब सरकार को शिक्षा मित्रों की उपेक्षा करना भारी पड़ सकता है, क्योंकि पिछले 18 मई से लगातार धरना दे रही लखनऊ में उमा देवी जी अब सरकार से दो दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। शिक्षा मित्रों को उन्होंने तैयार रहने के लिए क्या है कि अब शिक्षा मित्रों का मान सम्मान पाने के लिए उन्हें अगर फिर से रण में उतरना पड़े तो वो उतरेंगी। तो उधर उमा देवी जी भी 10 जनवरी के बाद आंदोलन की रणनीति तैयार करेंगी। अनिल कुमार यादव दूरस्थ BTCC संघ के प्रदेश अध्यक्ष संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले भी आंदोलन करेंगे। उन्होंने भी अपनी तिथि निर्धारित कर ली थी, वो 21 जनवरी से 26 जनवरी तक दिल्ली में आंदोलन करेंगे। इधर जितेंद्र साहे जी लगातार MHRD मंत्रालय से फ़ोन पर वार्ता होने के बाद क्रियाशील हैं कि वो शिक्षा मित्रों को किस तरह से राहत दिलाएंगे। पत्राचार के माध्यम से उन्होंने कौशल जी को जो पत्र लिखा था, वो कौशल सांसद जी का पत्र प्रधानमंत्री जी को मिला, ये सारी जानकारियां उनके द्वारा दी गई। लेकिन शिक्षा मित्रों के लिए क्या किया जा रहा है अभी इस संबंध में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। कल विशेषकर जो खबर चल रही थी कि शिक्षा मित्रों के संबंध में RTE एक्ट में संशोधन और Para 4 में संशोधन का विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया है, इस संबंध की भ्रामक खबरें वायरल होती रहीं सोशल मीडिया पर, लेकिन कोई भी ठोस जानकारी किसी को नहीं मिल पाई है। साथ ही साथ आज भी दुष्यंत चौहान जी सुबह दिल्ली गए हैं, उन्होंने कहा है कि उनको PMO कार्यालय से फोन आया है और प्रधानमंत्री से वार्ता का समय मिल गया है। तो शिक्षा मित्रों की सभी तरफ से सभी संगठन सभी साथी क्रियाशील हैं और लगातार सरकार के संपर्क में रहकर शिक्षा मित्रों को राहत दिलाने के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ठोस जानकारी नहीं मिल पा रही है। वहीं पर एक शिक्षा मित्र ने सवाल उठाया है कि यदि लोकसभा और राज्यसभा में शिक्षा मित्रों से संबंधित अगर कोई भी विधेयक या संशोधन पास हुआ है तो क्या इसकी जानकारी प्रधानमंत्री जी को नहीं है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी ने MHRD मंत्रालय को ये पत्र लिख के कहा था कि वो शिक्षा मित्रों की समस्याओं के समाधान के लिए कोई रास्ता निकाले, उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण करें, उनकी समस्याओं को समझे। इसी संबंध में MHRD मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश बेसिक सचिव को पत्र लिख के उनकी शिक्षा मित्रों की समस्याओं को निराकरण के लिए कहा था। तो अभी जब समस्याओं का समाधान शुरू होने की बात तक नहीं हो पाई है, तो वहाँ रोज राज्यसभा और लोकसभा में उनसे संबंधित विधेयक या अध्यादेश कैसे पास हो रहा है। इस संबंध में शिक्षा मित्रों का ये सवाल रहा है कि सोशल मीडिया पर चल रही ज़्यादातर खबरें भ्रामक दिखाई दे रही हैं।
साथ के साथ प्रदेश के तीन बड़े नेता इस संबंध में कोई भी स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दे रहे हैं। ना तो उमा देवी जी कोई भी इस बारे में कुछ कहना चाहती हैं, ना ही अनिल कुमार यादव इस बारे में कुछ कह रहे हैं, और काजी मामला जो पिछले कई महीनों से शिक्षा मित्र संबंध से कोई सब टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी शिक्षा मित्र से संबंधित अफवाहें चल रही हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है दो चार दिन में सबको पता ही चल जाएगा। शीत सत्र खत्म होने के बाद विधानसभा लोकसभा में कुछ भी क्या पारित हुआ है क्या नहीं सब सामने आ जाएगा। आरटीआई एक्ट में संशोधन की बात चल रही है, तो आरटीआई एक्ट में संशोधन हो सकते हैं, हो सकता है बीएड वालों को लिया जाए, हो सकता है कि जो बच्चे फेल किए जा रहे थे अब नहीं किए जाते थे अब वो उनको फेल करने का भी नियम बना दिया जाए। तो ऐसे कई और भी संशोधन आरटी में हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि शिक्षा मित्रों संबंधित ही कोई अध्यादेश होता है। अगर ऐसा होता तो कल मीडिया में शिक्षा मित्र शब्द जरूर लिखा हुआ आता जो कि नहीं लिखा हुआ था। तो ऐसे ही तर्क दिए गए शिक्षा मित्रों के संबंध में। इसके बाद जो हम जो अगली खबर बता रहे हैं वो बता रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में, जो कि 6 जनवरी को ही होगी क्योंकि जुपिटर 2017 के का पूर्ण विराम लगभग हो चुका है। एक आध दो डेट और पड़ जाएंगी, लेकिन परीक्षा 6 जनवरी को ही होगी और 6 जनवरी की इस परीक्षा में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने के लिए आपको सिर्फ भाषा गणित और विज्ञान पर कमांड करनी है, जहाँ तक सामान्य ज्ञान को भी साथ लेकर चलना है, क्योंकि भाषा 40 अंकों की आएगी जिसमें हिंदी अंग्रेजी और संस्कृत शामिल है, साथ में गणित और विज्ञान भी 30 अंकों का है और सामान्य ज्ञान भी 30 अंकों का है। तो इनको मिलाकर ही 100 अंक लगभग बैठ जाते हैं, तो इतने अंक पर्याप्त हैं परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए। इसलिए केवल इन 3 विषयों पर कमांड अगर आपके पास है तो शिक्षक भर्ती परीक्षा में बड़े ही आसानी से उत्तीर्ण हो सकते हैं। साथ के साथ शिक्षक भर्ती परीक्षा वाले दिन जाते समय वहाँ पर हमें अपने एडमिट कार्ड के साथ साथ एक फ़ोटो युक्त आईडी भी साथ ले जानी है, और साथ के साथ पीटीसी बीएड सीटेट यूबीटेट में एक का प्रमाण पत्र वहाँ लेके जाना होगा। अगर आपके पास नहीं है केवल नेट से निकला हुआ प्रमाण पत्र है तो आप उसको उस यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार से उसका टेस्ट करा के भी परीक्षा दे सकते हैं। तो ये सब मतलब सभी जानकारी प्राप्त हुई हैं और ऐसी ही जानकारी हम आपको देते रहते हैं, बेसिक शिक्षा से जुड़ी खबरें आपको देते रहते हैं, शिक्षा मित्र और भर्तियों से जुड़ी खबरें हम आपको देते हैं। तो ऐसी ही अपडेट डेली पाने के लिए बस आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में दबाना है बेल आइकन को ताकि मेरी हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच सके सबसे पहले। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। मैं ऐसे ही आपको अपडेट देता रहूँगा। मैं हूँ आपका साथी गोपाल सिंह।